आशिका बजाज और आज आपके लिए फिर से एक स्टोरी लाई हूँ। वेजिटेबल मार्केट के पास मैं पहुँची हूँ और ये ज़्यादा दूर नहीं, ये रातू रोड के पास ही पड़ता है। आपने शायद सुना ही होगा नागा बाबा खटाल, ये बहुत ही फेमस नाम है, ये बगल में ही था। और आज ये दुकान, जो भी यहाँ पर सब्जी मंडी फ्रूट्स वगैरह का दुकान लगता था, वो वहाँ से हट करके यहाँ पे एक अच्छा सा मॉल टाइप का बना दिया गया है। सभी लोग अपना अपना दुकान लगाए हैं और यहाँ पर बहुत साफ सफाई से इस दुकान को लगाया जाता है। पहले रोड पर दुकान लगता था तो बहुत जाम हो जाती थी, जनता को भी दिक्कत होती थी और साथ में जो वाहन पार होती थी उन्हें भी दिक्कत होती थी। और आज ये जो बना दिया गया है वेजिटेबल मार्केट, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नीट और क्लीन है, साफ सुथरा है। और अभी मैं मौजूद हूँ इस जगह पे और अभी हमारे साथ एक बाबा मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पहले रोड पे लगाने से बहुत भीड़ हो जाती थी और आज यहाँ पर हो गया तो कितना अच्छा है। यहाँ पर पहले रोड में सब्जी मंडी लगाने की वजह से रोड जाम हो जाता था, वाहन को आने जाने में, मोटरसाइकिल स्कूटर सब को आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पर ये इसको बनने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का जो है ना जाम जूम का संभावना नहीं रहता और लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सब्जी फ्रूट्स वगैरह खरीद करके अपने घर को जाते हैं। ये भी मानने कि जब यहाँ से पार होते थे ना तो बहुत ही दुर्गंध आता था और आज यहाँ पर दुकान लगाए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पहले जो है रोड किनारे सब्जी का कचरा वगैरह फेंके जाने की वजह से यहाँ पर हर हमेशा वास आते रहता था, दुर्गंध आते रहता था। लेकिन अभी जो है इसको साफ सफाई से करने की वजह से यहाँ पर दुर्गंध वगैरह नहीं आती, किसी भी तरह का बीमारी भी फैलने होने का डर नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अरुण सिंह। कब से है यहाँ पर? हम तो बहुत दिन से हैं इसको, जब से बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, 1960 से हैं। उस टाइम से आप इसको देखते आ रहे हैं? हाँ, देखते आ रहे हैं 1960 से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाजार लगा हुआ है और आप ये भी देख सकते हैं कि जब इस जगह को बनाया गया तो पेड़ पौधा भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से साफ सफाई रखा गया है इस जगह पे। आइए कुछ और लोगों को देखते हैं, बात करते हैं और आपको विजुअल के माध्यम से यहाँ का एक एक चीज़ दिखाते हैं, एक एक बाजार दिखाते हैं, घुमाते हैं आपको। कैसा दुकान चल रहा है? दुकान ठीक है चल रहा है। कितना दिन हुआ यहाँ पे लगाते हुए? दो अढ़ाई महीना। रजिस्ट्री वाले लोग को मिला है कि बाकी सब जितना लोग सबको मिला है? रजिस्ट्री वाला सब बाकी को नहीं मिला। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी तो वही लगा रहे हैं जहाँ तहाँ लगा रहे हैं। चल जाता आपका ये इससे? कितना बिक जाता है एक दिन में? 2000-2000। इससे पहले कहाँ लगाते थे? जहाँ तहाँ लगाते, इधर लगाते हैं। और ये बन गया तो कितना राहत है? ठीक है, ठीक है। अभी कितना बिक रहा है? अभी बहुत कम बिक रहा है। घर चल जाता है? ठीक है चलता है, ठीक ही चलता है। लेने आई है? हाँ, सब्जी लेने आए हैं। कैसा चल रहा है बाजार? सब्जी कितना महंगा है, कितना सस्ता है? यहाँ तो सब्जी सस्ता है, महंगा तो बिरसा चौक में है। बिरसा चौक में महंगा? आप बिरसा चौक से आती हैं? हाँ, बिरसा चौक से आते हैं। क्यों, वहाँ का सब्जी और यहाँ का सब्जी में क्या अंतर? बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? यहाँ ताज़ा सब्जी यहाँ और सस्ता है और वहाँ ताज़ा नहीं रहता है और महंगा भी मिलता है। कब से लेने आ रहे हैं आप सब्जी? हम यहाँ तो एक महीना से लेने आ रहे हैं। और पहले कहाँ से लेते थे? पहले बिरसा चौक से लेते थे। पहले जब बाहर लगता था तो कितना प्रॉब्लम होता था? हाँ, बहुत प्रॉब्लम होता था। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, पहले जैसा दुर्गंध नहीं आता? नहीं, बहुत वेरी गुड है, बहुत सुंदर। जैसा था कि आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है। विजुअल के माध्यम से आप देखिए, एक एक को केबिन मिला हुआ है। किसी को केबिन मिला भी है तो बहुत दिक्कत होती है बीच में सब्जी रखने में, या फिर उनके पास पब्लिक नहीं पहुंच पाता है, आम जनता नहीं पहुंच पाती है सब्जी लेने के लिए। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लग रहा है, पहले से कैसा लग रहा है? आराम लग रहा है, मगर बिक्री नहीं हो रहा बेटा। अब ग्राहक लोग चढ़ता तो वही तरह से चल जाता है। पर आप पहले नहीं करता। सब्जी बेचते थे और आज आपको यहाँ पे कैसा आराम है? तो कमाई धमाई नहीं है, 50 रुपये कमाने को जगना पड़ रहा है। आपको केबिन नहीं मिला? केबिन मिला है, जो बगल में मिला है ना, कोई आदमी हुल के ना जाता है।
बाकी सबके पास आ रहा, आपके पास क्यों नहीं आ रहा? अरे यहाँ हुआ नहीं आ रहा है, कहा कि को कहीं आबे नहीं करता, गली में एकदम नहीं ढूंढता है, गली में को आबे नहीं करता। नया बना दिया तो आप लोग अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, मगर कमाई नहीं हो रहा है। रोड में दुकान है, रोड में दुकान पूरा भरा रहता है, कहाँ से कहाँ का है? क्या बोलना चाहिए? बाहर में हम लोग का दुकानदार लग रहा है बाहर में, इसलिए अंदर गहकी आने खोज रहा नहीं। बाहर में से गाड़ी लगा के पहले नीचे पार्किंग सिस्टम कर दिया, 5 रुपया गहन घुमा के लेकर चल जाता है। तो क्यों बाहर लोग क्यों लगा रहा है? नगर निगम न जानेगा उन लोग का, जगह नहीं मिला है क्या? जगह का बात नहीं है, सबको जगह मिला है, जिसका जिसका जगह था सबको मिला है, लेकिन जिसका माइक अभी मिल गया और बेटा भी जो नहीं लगाता था वो भी लगा रहा दुकान, इसीलिए गाँव से धीरे चल जा रहा है, इधर नहीं आ रहा गाँव। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं और आपको दिखाते भी। पहले आप लोग बाहर दुकान लगाती थी और अब अंदर लगाने लगी है, बिक्री अच्छा हो रहा है बाहर के अंदर अच्छा होता था? बाहर बिक्री अच्छा होता था, अभी चलता है सही, पर इतना अच्छा सुविधा जो मिल गया है लाइट और पंखा ये सब का, तो सुविधा तो मिल गया है, सुविधा मिल गया मगर चलेगा धीरे धीरे, कमा नहीं पा रहे हैं, पहले जैसा नहीं कमा पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपसे बात तो करवा रहे हैं कुछ लोगों को, पर आप देखिए बाहर से ज़्यादा सुविधा, आप देखिए लोगों को कितनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है, चार्जिंग पॉइंट की लोग यहाँ पर बैठ के चार्ज भी कर रहे हैं। आपको इतना अच्छा सुविधा मिल रहा है ये चार्जिंग पॉइंट का? चार्जिंग पॉइंट का इंसान क्या करेगा जब इंसान यहाँ पर चार्ज लगा के दिन काटेगा और उसके पास पैसा ही नहीं आएगा, उसकी कमाई ही नहीं होगी। अभी तो हमने काफ़ी लोगों से बात भी किया और लोगों ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, पहले जैसे बाहर दुकान लगती थी अब पैसा नहीं है, धंधा में थोड़ा मंदा चल रहा है। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप जुड़ रहे हैं जीएन भारत के साथ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।